हमने अपने अपने बैग उठाए और निकल पड़े नैनीताल के लिए। मॉनसून के इन बादलों की वजह से जैसे जैसे हम नैनीताल के करीब पहुंच रहे थे, रास्ते और भी ज़्यादा ठंडे होते जा रहे थे। सो फाइनली 1.5 घंटा ड्राइव करने के बाद हम पहुंच चुके थे नैनीताल। कुछ तो खास बात है नैनीताल की इस झील में, नहीं तो लाखों लोग हर साल यूं ही इसके दीवाने नहीं बनते। नैनीताल उत्तराखंड का इतना खूबसूरत शहर है जिसकी तारीफ शब्दों में बयां करना लगभग नामुमकिन ही है। काफी देर से घूम तो रहा था शहर में मैं, बट दिल मेरा कहीं और ही था। शहर के शोर शराबे से परे मेरा तो दिल था नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी चाइना पीक पे जाने का। चाइना पीक का रास्ता नैनीताल शहर से अप्रोक्स 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, तो बस फिर क्या था, निकल पड़े हम चाइना पीक की ओर। सावधान टाकी से नैना पीक हिंसक वन्य जंतु बाहुल्य क्षेत्र है। समूह में ट्रैकिंग करें वन विभाग नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल। नैनीताल शहर से कुछ ही मिनट ड्राइव करके फाइनली हम पहुंच चुके थे चाइना पीक के गेट में, तो बस फिर क्या था, कर दी हम लोगों ने चढ़ाई स्टार्ट। ये चोटी बेसिकली 3 नामों से जानी जाती है, चाइना पीक, चीना पीक और नैनी पीक। हर कोई इसे अपने अंदाज से बुलाता है। अपने वहां के फोक सॉन्ग गाते गाते कैसे रास्ता बीत आता पता ही नहीं लग रहा था। दोस्तों चाइना पीक अप्रोक्स 3 से 4 किलोमीटर का एक छोटा ट्रैक है, पर ऐसे छोटे ट्रैक में भी थकना तो लाजमी था, तो बस फिर क्या था, थोड़ी देर बैठ गया मैं आराम करने इन पहाड़ों को निहारते हुए। रास्ते संकरे और पथरीले होते जा रहे थे और चढ़ाई भी बढ़ती जा रही थी। थक तो हम चुके थे, बट जो व्यू हमको ऊपर पहुंच के मिलने वाला था उसके सामने ये थकान कुछ भी नहीं थी। तो फाइनली कुछ देर और ट्रैकिंग करने के बाद हम पहुंच गए अपनी मंजिल पे। तो कुछ ऐसे व्यू की तलाश थी हमें, होप आपको वीडियो पसंद आए। Is it so hard to let
चल।